चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के बाद अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इंदौर में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के लीगल सेल के प्रमुख विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने का ऐलान किया। कपिल सिब्बल के साथ विवेक तनखा अपील करता होंगे। विवेक तनखा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर मुद्दे रखेंगे। स्टार प्रचारक कौन होगा ये पार्टी तय करती है, इलेक्शन कमीशन उसमें निर्णय नहीं ले सकता। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले सरकार दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ से ज्यादा अभद्र भाषा तो शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि स्टार प्रचारक कौन होगा ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो डिसाइड करेंगे हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे। इलेक्शन कमीशन ना तो उसमें किसी को ऐड कर सकती है ना किसी को सब्सट्रैक्ट कर सकती है। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है।